पढ़े देखे मैं एविएशन का डिप्लोमा हो रहा हूँ एविएशन का डिप्लोमा। अच्छा एविएशन क्या होती है? हाँ यार तो जॉब करते हैं नहीं जॉब नहीं करते नहीं अभी सीख रहे हैं सब हो गया करता हूँ शेयर मार्केट करता हूँ शेयर मार्केट अच्छा ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग में तो उसके अंदर सफलता नहीं मिली भाई आपको? नहीं इसमें सफलता नहीं मिली खास उसका खाना खर्चा चल जाता है। अच्छा अभी तो वही बंद है। अच्छा लगे हुए व्यापार से जुड़ा हो सकता है मित्र से जुड़ा हो सकता है और प्रेम से जुड़ा हो सकता है। ठीक है धन संबंधी समस्या भी है कर्ज भी हो सकता है। ठीक है नहीं है तो अच्छी बात है और अगर है तो आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है इसमें इसमें आया कि कर्ज भी हो सकता है। हो गया पहले हो गया आपका इस साल आपका धन से जुड़ा भी नुकसान होगा। ठीक है साल 2024 स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी परेशान करेगी। ज्यादातर आपको नजला और बुखार की समस्या सर भारी रहे वाहन पर भी खर्च आता दिख रहा है। आपका वाहन पर्सनल खराब हो जाए और आपका कार्य में मन नहीं लगेगा। मन ज्यादा भटकता है आपका विचार ज्यादा करते हैं सोचते बहुत अधिक है आप लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। एक ओवर कॉन्फिडेंस एक होता है आत्मविश्वास एक होता है ज्यादा आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका कोई नुकसान हो सकता है। जो होता है ना कि जैसे किसी ने मना करा यहाँ नहीं जाना
या ये काम नहीं करना, इसके इससे आपका नुकसान हो सकता है, तो आपने बोला अरे हमें पता है, हमें दवा आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे होता है ना, ये समझा रहे इंसान की हाँ भाई ये आपका यहाँ पे नुकसान हो सकता है, और आप बोलो कि अरे हमें सब पता है, सब आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर थोड़ा सा अधिक है, ठीक है, कि मतलब आप सामने वाली बातों, सामने वाले व्यक्ति की बातों को अनसुना कर देते हैं। अगर वो सामने वाला कुछ कह रहा है ना और वो सही कह रहा है, तो आपको तब समझ आती है जब आपका नुकसान हो जाता है या आपको ठोकर लग जाती है, ठीक है। अपने मन की बात किसी अन्य को ना बताए, वरना समस्या हो सकती है। जैसे आप किसी यार दोस्त को या कोई ऐसी बात बता दो आप जो अपने रहस्य की, कोई भी बात हो सकती है वो, चाहे घर परिवार से संबंधित है कोई भी अन्य बात। प्रेम और विवाह में कोई रुकावट आ सकती है, ठीक है, और बाकी लड़की के घर वाले ना माने। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे लड़की के घर वाले ना माने, या कोई आपके बीच कोई अन्य व्यक्ति आ जाए, तीसरा व्यक्ति आ जाए आप दोनों के बीच, चाहे आपके जीवन में आ जाए या उस बच्ची के जीवन में आ जाए, ये समस्या आगे हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो सकता है, मन में शक भी आ सकता है कि अन्य कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा, या अन्य कहीं और तो नहीं हो रहा, ठीक है। इससे आपको बचना है। आगे भविष्य की बता रहा हूँ, आपकी शादी हो जाए, पत्नी जो भी पत्नी हो आपकी, मन में अगर शक भी आए तो भी नहीं लाना आपको, ठीक है। और अपने चरित्र को भी ठीक रखें, आपको अपना चरित्र भी ठीक रखना है। मांगलिक दोष के कुछ इसके अंदर लक्षण आ रहे हैं, जो बच्ची है वो उसके अंदर मांगलिक दोष के लक्षण आ रहे हैं, और आपके साथ पितृ दोष भी आपके उसके अंदर दोष आ रहा है, पितृ दोष लगा, ठीक है। अपने मन को काबू में रखिए, मन में ज्यादातर आपके नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे, रात को नींद में समस्या बनेगी, आपको रात को देर से सोने की आदत पड़ सकती है, या फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको ऐसी कुछ चीज हो सकती है आपको, ठीक है। किसी दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं आप, इसलिए अपने प्राइवेट वाहन से ज्यादा दूर ना जाए आप, ज्यादातर सरकारी ट्रांसपोर्ट का, प्राइवेट जो सरकारी वाहन होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई, है ना, उनका ज्यादातर इस्तेमाल करें। अपने प्राइवेट वाहन को ज्यादातर 50 किलोमीटर के रेंज में ही इस्तेमाल करें, ज्यादा लंबे रूट पे ना लेके जाए, वरना कोई समस्या होती है इसके अंदर आ रही है। और झूठ बोलने और दिखावा करने से बचे। एक आपको झूठ बोलने की अगर आपके अंदर आदत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो आ रहा है हम देखो वो बताते हैं, झूठ बोलने और आपको दिखावा करने की आदत से बचना है। जितना मैंने आपके बारे में लिखा है ये सही है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, फिर इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, मैं इस स्थान से आया हूँ, मेरा नाम या अपने पिताजी का नाम, मैं ये समस्या लेकर आया हूँ, प्रभु मेरी अर्जी स्वीकार करो, मैं ये समस्या ठीक हो, तो भी ये बात सारी